सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम स्टिल लाइफ में ईंट बनाना सीखेंगे, क्योंकि सेवन्थ क्लास के लिए पहला जो चैप्टर है उसमें ईंट है बना हुआ। और हम आज बेसिक से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं मॉडल ड्राइंग कैसे हम सीख सकते हैं। तो हल्के हाथों से हमने अभी कार्य करना है और फर्स्ट टाइम हम कार्य कर रहे हैं मॉडल ड्राइंग के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम इसमें बेसिक लाइन लेते हैं जिसके ऊपर से हम मॉडल बनाते हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने पेपर डिवीजन कैसे करनी है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। सीधा ही पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाने आने चाहिए, हल्के हाथों से आपका हाथ जो है उसे चलना चाहिए। तो इस तरह से, जैसे मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ HB, तो इस तरह से आपने पकड़नी है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इधर को पेज लगा लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से आपने इस पेज को जो है वो बिल्कुल अपने गत्ते के साथ या ड्राइंग फाइल के साथ इस तरह से आपने लगा देना है ऐसे। बेसिक लाइन जब भी लगानी, जितनी भी हमने लंबी लगानी है, अब इस तरह से पेंसिल पकड़ सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ से आप देख रहे हैं ये इस तरह से अगर मैं इसको सीधा ऐसे पेंसिल को लगाता हूँ शीट के साथ ऐसे, देखिए आप आगे को ले जाओ चाहे पीछे को ले जाओ, जैसे मर्जी ले जाओ, यहाँ से हम सीधी लाइन इससे ऐसे लगा सकते हैं। बेसिक लाइन हम जो है वो इस तरह से, ये आप देख सकते हैं बेसिक लाइन हमारी सीधी बिल्कुल जो है वो इस तरह से लगेगी। अब आप देख सकते हैं मैं पेज को सीधा कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से। ये आप देखिए जहाँ ये थोड़े से रह गई है लाइट, वहाँ पे हम इसको दोबारा से ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ से इसको हम सीधा कर सकते हैं इस तरह से आपने जो है वो बेसिक लाइन जो है वो अभी लगानी सीखनी है हल्के से इस तरह से। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी हमारी ऊपर नीचे चली गई है, उसको आप इरेजर से साफ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आपने इस तरह से जो है वो बेसिक लाइन लगानी। आप देखिए बिल्कुल ये देखो सीधी हमारी लगी हुई है ये। इसमें हमने बनानी है ईंट। अब ईंट हम कैसे बनाएंगे, तो ईंट में कोशिश करेंगे कि बराबर हिस्सा जो है वो दोनों साइड छोड़ दें। जैसे हमने यहाँ पर इतना हिस्सा हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं ईंट के लिए इतना हिस्सा, तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे भी निशान लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम इतना हिस्सा छोड़ देंगे। वो हमने इसकी हाइट लेनी है, तो हाइट भी हमने इसी तरह से जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे शीट के साथ लगा लीजिए और इस तरह से इसी के समानांतर हमने सीधी लाइन लगा दी इस तरह से। यहाँ से भी हम इसी तरह से सीधी लाइन लगा देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमने लाइन लगाई थी, तो यहाँ से हमने लाइन लगाई थी इधर को। अब आप देखिए यहाँ से अगर हमने लाइन लगानी है, और हमने निशान तो यहाँ पे लगा रखा है, तो यहाँ से हम लाइन जो है वो ऊपर को यहाँ से लगानी है। तो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड लगाओ, चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड को लगाओ, ऊपर से नीचे को लगाओ, नीचे से ऊपर को लगाओ, बात एक ही है। ये देखिए अब बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन लग गई है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके पैरेलल जो ये लाइन है ना, इसके पैरेलल हमने यहाँ पर लाइन लगानी है सीधी बिल्कुल। हम इसी तरह से दोबारा से पेज को हम ऐसे रख सकते हैं यहाँ से इस तरह से, जैसे वह हमने इसकी मोटाई देनी है ईंट की, तो यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे पेंसिल को, इस तरह से लगाएंगे पेंसिल को, और हाथ से इस तरह से हम जो है वो पेंसिल को खींचेंगे यहाँ से यहाँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारी सीधी लाइन आ गई है। वो हमने इसकी पिछली लाइन अगर देखनी है, तो इसी तरह से हम यहाँ से फिर इसी तरह से हमने जो है वो यहाँ से थोड़ी पीछे जो है वो लाइन लगानी है इस तरह से। ऐसे हम पीछे लाइन लगा देंगे इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, इसमें बराबर हिस्से में हमने यहाँ से पिछली लाइन काटनी है। जैसे हम यहाँ से काट देते इतनी लाइन हम यहाँ से काट रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने जो है वो इतनी लाइन काटनी है यहाँ से। देख सकते हैं यहाँ से हमने इस तरह से यहाँ काट दिए लाइन, और इस लाइन को हमने जो है वो यहाँ पे ऐसे मिला देना है इस तरह से। यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला देंगे इस तरह। अब ये हमारी सामने से जो है वो ईंट बन के तैयार होगी। इस तरह से आपने इसको ईंट को बनाना है इस तरह से। आप देख सकते हैं बड़े आसान तरीके से आप ईंट बना सकते हैं इस तरह से।
इस तरह से बहुत आसान तरीका है ईंट को बनाने का। इस तरह से आप सभी बच्चों ने बनानी है। ईंट में यहाँ पे इसका एक ट्रेडमार्क होता है, तो ये पिछली लाइन है ना, इसी के सिर में आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है इसके समानांतर, इस तरह से। और अगली जो रेखा है इसके भी आपने यहाँ पे समानांतर दूरी पे ऐसे लाइन लगा देनी है, और यहाँ पे आपने इसको सीधा मिला देना है यहाँ से। अभी यहाँ पे आप देखिए यहाँ तक ले गए आप, तो यहाँ भी आपको ये यहाँ तक ये आपको ट्रेडमार्क लाना पड़ेगा इस तरह से। और इसको आप जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे राउंड शेप दे दीजिए थोड़ी सी, इस तरह से। और इसको आप यहाँ पे मिटा देते हैं बाहर से, थोड़ा सा हम यहाँ राउंड दे देंगे इसको, इस तरह से। अब यहाँ पे इसकी हमने डेप्थ दिखानी है, गहराई दिखानी है, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं, हमें सिर्फ इसकी सामने से जो है वो यहाँ से इसकी गहराई दिखेगी इस तरह से। इस तरह से हमें इसकी इधर की और इधर की गहराई हमें इसकी नहीं दिखेगी, ये तो चलो इधर से हम देख ही रहे, तो हमें सिर्फ सामने की जो है इसकी वो गहराई यहाँ से दिखेगी इस तरह से राउंड में, इस तरह से। ये आपने इस तरह से ईंट जो है वो बनाना है। अब हमने करनी है इसमें शेडिंग। एक्चुअल में शेडिंग जो है वो शेडिंग पेंसिलें अलग ही होती है, और उससे शेडिंग जिससे हम कर सकते हैं, आप तभी एच बी से करिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास पेंसिलें है, ये शेडिंग पेंसिल से सारी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब शेडिंग पेंसिल से। और ये 2B से लेकर के हमारे पास 8B तक सारी जो है एच बी जो हमारी पेंसिल होती है, एच बी का मतलब होता है हार्ड, एच का मतलब होता है हार्ड, और बी का मतलब होता है बॉल्डनेस, ब्लैकनेस जो होती है। तो जितनी भी बी सीरीज की पेंसिल्स है वो हमारी शेडिंग के लिए, उसमें 3B है तो ये कम सॉफ्ट होगी, कम डार्क होगी, और जो जैसे ये 8B है तो ये ज़्यादा डार्क होती है। तो जितनी भी बी, ये 10B तक भी आती है, 12B तक भी आती है, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ अभी 2B से लेकर के बी भी है मेरे पास, और 8B तक मेरे पास ये पेंसिल से। इससे हमने इसमें शेडिंग करनी है। अभी आप जो है वो HB पेंसिल से भी, HB से ही आप शेडिंग करें, अभी जो आपके पास अवेलेबल है उसी से आपने शेडिंग करनी है। शेडिंग करते वक्त आपने एक ध्यान रखना है कि आपने जो भी आपने मॉडल बनाया है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके नीचे जब आपने शेडिंग करनी है, या उससे पहले भी आप इस तरह का अखबार मोटा सा नीचे रख सकते हैं, ताकि जब भी आप इसमें शेडिंग करेंगे तो नीचे जो आपकी ड्राइंग बोर्ड है, या आपके पास ड्राइंग फाइल है, या गत्ता है, उसके ऊपर जो आकृति है वो छपके हमारी इस पे ना आ जाए, बैकग्राउंड जो है हमें वो इस पे शो ना हो, इस तरह से आपने रखना है। एक ध्यान आपने और इसमें रखना है कि जब भी आप शेडिंग करेंगे तो आपने ऊपर से नीचे को शेडिंग करनी है, और बाकी जो आपकी आकृति वो आपने इस तरह से ढक देनी है, और आपने लाइट से हाई तक जो है ना शेडिंग करनी है। ऊपर से नीचे को हम शेडिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ मैं जो है वो 2B पेंसिल का अभी यूज करूँगा, और हल्की मैं इसमें शेडिंग करूँगा यहाँ पे इस तरह से। और शेडिंग जो है आपने वो 60 डिग्री में करनी है, जो हमारी सॉलिड वस्तुएं होती है, मजबूत वस्तुएं होती है, उसमें हम 60 डिग्री में शेडिंग करते हैं इस तरह से। हमने इसमें शेडिंग करनी है, बिल्कुल हमने जो है वो हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। आपके पास अभी HB पेंसिल होगी तो आपने HB से ही शेडिंग करनी है। आपने अभी इन शेडिंग पेंसिल्स को ख़रीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आपने सिर्फ इसी से शेडिंग करनी है, जो आपका HB की सिंपल पेंसिल है।
इस तरह से आपने इसमें हल्की सी शेडिंग करके आपने इस तरह से जो है वो ईंट बनाना है और हल्के हाथों से आपने अभी कार्य करना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी ईंट को आपने एंगल पे कैसे बनाना है। जैसे ये जो आप ईंट बना रहे हैं ये है, अगर आप 4 नंबर सीट पे बैठते हैं तो आपको ईंट इस तरह से बनेगी, इस तरह से दिखेगी, ये इसी तरह से आपकी बनेगी। और यदि आप 1 और 2 नंबर पे बैठते हैं तो ये ईंट आपको कैसी दिखेगी, वो वीडियो में अगली बार आपको बना के दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।